साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज क्लास नाइन्थ का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना, जो हमने पिछले लेसन की वीडियो थी उसमें बताया था कि जो प्रत्येक एटम के अंदर कोई न कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, जैसा डाल्टन ने बताया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू एनी पार्टिकल्स। भाई जो परमाणु है वो छोटे से छोटा कण है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई तो ये पता चलता गया भाई परमाणु के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आगे जाके भी डिवाइड होती है। जैसा हम पढ़ेंगे परमाणु के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसका हम डिस्कस करेंगे। 19वीं शताब्दी तक या एंड ऑफ 19 सेंचुरी वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती थी, चैलेंज थी, भाई जो स्ट्रक्चर वो एटम का क्या बनेगा और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तो आगे टॉपिक आता है चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। किसी भी परमाणु में जो आवेशित कण होता है वो कैसा होता है, जैसे एक कंघा लेकर सूखे बालों पर रगड़िए, फिर आप उसको नीचे लेके आएंगे या स्केल को बालों पर रगड़िए सूखे बालों पर, तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि इसके अंदर क्या है, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे ग्लास रोड लेके उसको सिलक के कपड़े पे रगड़ते हैं तो उसमें भी क्या चार्ज आवेश, चार्ज या आवेश उत्पन्न होता है। अब डाल्टन ने ला दिया था वे जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन डाल्टन क्या हो गया, वहाँ पर फैल हो गया, तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक है चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज कहाँ से उत्पन्न हुआ, जब दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे क्या पैदा हुआ, चार्ज उपस्थित, चार्ज की उपस्थिति का पता चला। लेकिन धीरे धीरे कैनाल किरणों की भी क्या की गई, कैनाल रेज की किरणें, कैनाल किरणें कहाँ से खोजी गई, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कि लगभग क्या थी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको हाई वोल्टेज से जोड़ा गया, लगभग 10,000 वोल्टेज का करंट उसके अंदर दिया गया, तो कुछ रेज आती दिखाई दी गई ट्यूब के अंदर से, उन किरणों का क्या नाम दिया गया, रेज का, कैनाल रेज। तो एक नया चार्ज खोजा गया जिसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। किसने, जे जे थॉमसन इंग्लिश के अंदर और हिंदी में टॉमसन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है किसने की, जे जे थॉमसन ने या टॉमसन ने। इसी प्रकार कैनाल रेज की किरणों की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। किसने, ई गोल्डस्टीन ने। तो इस तरह से अगले चार्ज, जैसे प्रोटॉन का भी डिस्कस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव माना गया, क्या माना गया, नेगेटिव, और जो प्रोटॉन था उस पे क्या माना गया, पॉजिटिव। इसका मास तो क्या था, नेगलिजिबल था, क्या था, नेगलिजिबल यानी कि नगण्य, और इसका हाइड्रोजन के मास का 1/2000वां हिस्सा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है क्या माना गया, नेगलिजिबल, और प्रोटॉन का मास जो हाइड्रोजन का मास होता है उसके 1/2000वां पार्ट माना गया। तो इसके तरह से इसके कुछ क्या थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसको किससे लिखते हैं, ई से, और प्रोटॉन को पी से। कैनाल रेज पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला, ये किसकी तरफ दौड़ रही थी, नेगेटिव की तरफ। जो पॉजिटिव होगा वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पे माइनस नेगेटिव और प्रोटॉन पे पी पॉजिटिव का चार्ज देखा गया। तो एक एटम के अंदर उसके जो चार्ज है यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रेजेंस का पता चला,
और किसी एटम को नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। क्या करते हैं? बैलेंस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था कि जो एटम है, परमाणु है, वो छोटे छोटे कणों से, अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। उन्हें क्या कहते हैं? एटम्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। लेकिन जब इसके अंदर दो पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उससे डाल्टन की जो थ्योरी है पूरी तरह से फैल हो गई। कि डाल्टन से ने क्या बताया था कि परमाणु इनडिविजिबल है, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, या इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब जे जे थॉम्सन ने और गोल्डस्टीन ने इसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और जे जे थॉम्सन ने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पाया, इससे डाल्टन क्या हो गया? फैल हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ मॉडल दिए साइंटिस्टों ने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, पूरी तरह से इसका अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ मॉडल दिए। सबसे पहला है जे जे थॉम्सन, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और थर्ड है नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम का। हम ईच बाई वन या स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? जे जे थॉम्सन, कौन सा पढ़ेंगे? जे जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले परमाणु की जो स्ट्रक्चर है, परमाणु का स्ट्रक्चर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मॉडल आया? थॉम्सन। कौन सा? जे जे थॉम्सन, जिसने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? थॉम्सन भी बोलते हैं। तो इसने किसका एग्जांपल दिया? वाटरमेलन का एग्जांपल दिया। किसका? वाटरमेलन, जो तरबूज होता है ना हमारा, क्या होता है? तरबूज। अगर हम तरबूज को एक क्या माने? पॉजिटिव स्फीयर माने। क्या माने? पॉजिटिव स्फीयर, यानी कि जो तरबूज है एक धन आवेशित गोला है। क्या है? धन आवेशित गोला। इसके चारों ओर का जो लाल भाग है वो खाने वाला भाग होता है, और उसके अंदर जो ब्लैक सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको इसने क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन मान लिया। जो लाल भाग है उसको तो इसने क्या मान लिया? प्रोटॉन, जो कि चारों ओर है, और उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं, बेंडेड होते हैं, उनको इसने क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन। तो इसने इसकी तुलना किससे की? भाई जो प्रोटॉन है वो तो इसके बाहर को, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑल ओवर दी एटम, बट इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन इट, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं और जो प्रोटॉन उसके चारों ओर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए पूरे एटम को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, म्यूचुअली बैलेंसिंग ईच अदर, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने ही प्रोटॉन, जिससे पूरा का पूरा एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, या उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो ये किसके बारे में था? थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अभी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या नाम है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। कौन सा पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम। रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने क्या, किसकी बौछार कर दी? अल्फा पार्टिकल की। किसके ऊपर? गोल्ड एटम्स। सोना क्यों लिया? क्योंकि सोने के अंदर कौन सा गुण होता है? डक्टिलिटी का। कौन सा होता है? डक्टिलिटी, जिसको हम पतली से पतली पत्ती बना सकते हैं। लगभग कितनी थी वो? 1000 एटम्स, ठीक, यानी कि 1000 एटम पतली पत्ती में से और बन सकते थे। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिया? क्योंकि डबल हीलियम चार्ज था इससे। क्या था? डबल हीलियम चार्ज। कितना था? 4 यूनिट। कितना था? 4 यूनिट। और इनके पास बहुत ही अमाउंट में क्या थी? एनर्जी थी। क्या थी? बहुत सारी इनके पास एनर्जी कंसिडरेबल थी, या इनके पास एनर्जी स्टोर थी। तो जब
इसके द्वारा डिफ्लेक्शन हुआ, जो इधर उधर पार्टिकल गए, तो जो हमारे साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे वो उनके लिए एक सरप्राइज था, यानी कि अचंभित हुए जिस तरह का उनके पास डिफ्लेक्शन आया। पहला केस क्या था, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स, ये देखो ना, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम दी गोल्ड एटम्स। देखो, ज़्यादातर पार्टिकल्स उस सोने की पतली पत्ती से पार क्रॉस हो रहे थे लगभग जैसे जैसे, और कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ थोड़े से लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और लगभग 12,000 में से, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की उसने क्या की थी, बौछार की थी, तो लगभग 12,000 में से एक क्या आया, वापिस आया, क्या आया, वापिस, ये इस तरह से 180 एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। तो उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाले, दोबारा देखो उसके क्या ऑब्जर्वेशन हुए कि ज़्यादातर पार्टिकल उसमें से सीधे क्रॉस हो रही थी, और कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ थोड़े से अलग एंगल पे या लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और 12,000 में से लगभग 12,000 में से एक क्या आया, 180 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ या वापस आया। तो यहाँ पर उसके सामने क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या क्या रिजल्ट्स आए, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट कि इसके अंदर जो एटम के अंदर अधिकतर भाग उसका क्या है, होलो है, खोखला है, यानी सीधे निकलने का मतलब है परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खोखला है, और जो छोटे एंगल पे मुड़े, क्या हुए, छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई रिपल्सन चीज है। जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए यानी रिपल्सन हुए, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो 180 पे रिट्रेस हुए, बाउंस हुए उसी पाथ से, इसका मतलब इसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स है, क्या है, हैवी पार्टिकल्स है सेंटर के अंदर, वो कहाँ है, सेंटर के अंदर, और सारा का सारा मास कहाँ समाया होता है, उसके अंदर, वो छोटे से भाग में समाया होता है। दोबारा देखो क्या रिजल्ट आए उसके सामने, भाई अधिकतर भाग परमाणु का क्या, खोखला, और जो छोटे एंगल पे या बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अलावा जो हैवी पार्टिकल्स है इसके अंदर वो कहाँ पे समाया हुआ है, सेंटर में, तो सेंटर के अंदर समाया है, तो इस सेंटर वाले भाग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इस रिजल्ट से हमने निकाला अधिकतर भाग खोखला है, और इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो छोटे से भाग में एक एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, समाया होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ है न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी मास ऑफ दी एटम या साइज ऑफ दी एटम, यानी पूरे एटम का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है, या न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम है किसके मुकाबले, साइज ऑफ दी एटम। आप पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन क्या थी, भाई क्या कमियां रह गई जिसके कारण रदरफोर्ड मॉडल भी इतना नहीं चल पाया, इसके कुछ फॉल्ट पढ़ेंगे, लिमिटेशन क्या होता है, फॉल्ट होता है, कमियां होती है, इसके अंदर क्या कमियां रह गई, क्या फॉल्ट थे। अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी, इसको मैं बना देता हूँ, इस तरह से सर्कुलर करता है,
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज हो जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और उसका जो पाथ है वो हर बार छोटा से छोटा होता रहेगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गया तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा, उनका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा रियल में नहीं होता, तो ये यहाँ पर जो रदरफोर्ड था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, वे जो एटम है वो स्टेबल कैसे होता, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसकी सबसे बड़ी कमी मैं दोबारा बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, जिससे उसका पाथ क्या होता रहे है, होता रहता है प्रत्येक स्टेप पे छोटा छोटा, और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गया तो जो एटम है वो शुड कोलैप्स, ख़त्म हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन जो एटम है वो स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल की एटम की सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम, वो स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम, सभी को राम राम।